नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज हलचल इंडिया। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। आईसीयू में बीएचएमएस चिकित्सक से इलाज कराने पर वेदांत हॉस्पिटल के पंजीयन निरस्ती के नोटिस के बाद भी कार्यवाही नहीं होने पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। गत 24 जुलाई 2020 को मुराई मोहल्ला निवासी श्रीमती जोगेश्वरी देवी हाड़िया को उल्टी एवं बुखार के कारण बैराठी कॉलोनी क्षेत्र के वेदांत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। रोगी जोगेश्वरी हाड़िया के परिजनों ने आरोप लगाया कि हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते श्रीमती हाड़िया की असामाजिक मृत्यु हो गई। इस पर परिजनों ने दोषी हॉस्पिटल एवं संचालक के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर 10 अगस्त 2020 को इंदौर कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया था, किंतु अभी तक सीएमएचओ अपने आदेश का पालन नहीं करवा पा रहे हैं। न्याय के लिए दर दर भटकते हुए परिजन अब तक 32 जगह शिकायत कर चुके हैं। इस दौरान जोरदार नारेबाजी भी की गई। आज प्रदर्शन के दौरान स्वर्गीय जोगेश्वरी हाड़िया के परिजनों के साथ बड़ी संख्या में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। किस मामले को लेकर आज ज्ञापन देना? इंदौर के वेदांत हॉस्पिटल में हाड़िया परिवार के उनकी माता जी का डेथ हो गई थी डॉक्टरों की लापरवाही से। डॉक्टरों को वहाँ MBBS डॉक्टर रखना चाहिए, लेकिन उन्हें BHMS डॉक्टर रख रखा था। इसके कारण से और ये इंदौर के सभी हॉस्पिटल में लापरवाही हो रही है। इसको लेकर के हिंदू महासभा द्वारा 6 माह पूर्व कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया था। उसके बाद में जांच कमेटी गठित हुई। जांच कमेटी द्वारा यह आदेश दिया गया कि भाई हॉस्पिटल दोषी है और हॉस्पिटल प्रशासन पर कार्रवाई होना चाहिए, हॉस्पिटल बंद होना चाहिए 1 माह के अंदर। ये CHMO ने आदेश दिया, लेकिन फिर भी हॉस्पिटल बंद नहीं हो रहा। उसे नेताओं का संरक्षण प्राप्त है और हॉस्पिटल बंद करने के लिए आज हमने यहाँ पे कलेक्टर कार्यालय प्रदर्शन किया। और अगर अब हॉस्पिटल बंद नहीं होता तो हम और अधिक आंदोलन करेंगे हिंदू महासभा की ओर से। आपने ज्ञापन दिया तो अधिकारी क्या बोले, क्या आश्वासन? इन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इस हॉस्पिटल को लेकर के पूरी कार्रवाई करेंगे और उसको बंद करवाएंगे। लेकिन फिर भी उस हॉस्पिटल को कई नेताओं का संरक्षण प्राप्त है, कई अधिकारियों ने उसको हाथ खड़े कर चुके कार्रवाई करने के लिए कि नेताओं का दबाव हमारे पर है, हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए अगर आप कार्रवाई नहीं होती है तो हिंदू महासभा बहुत ही उग्र आंदोलन करेगी। कुछ नेताओं के नाम सामने आ रहा है, क्या नाम है उनके, नाम बता सकते? नेता सभी तरह के BJP कांग्रेस दो ही पार्टियों के नेता हैं जिनके संरक्षण प्राप्त हैं उसको। ऐसा उनके नाम बताए यहाँ पे अधिकारियों? नहीं, नाम नहीं बताए हमने, है ना। लेकिन हमने ये बोला है कि कार्रवाई होना चाहिए उस हॉस्पिटल पे। हम शासन से ही चाहते हैं कि कार्रवाई शासन निष्पक्ष रूप से करे। आपका नाम और पद? जितेंद्र सिंह ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा मध्य प्रदेश। हाड़िया जी, बताएं आज हिंदू संगठन के साथ आप प्रदर्शन करना है, क्या मामला था? भाई साहब, वेदांत हॉस्पिटल सिंधी कॉलोनी बैराठे कॉलोनी स्थित था। जुलाई के अंदर झोला छाप डॉक्टरों की लापरवाही से मेरी माता राम की मृत्यु हुई थी। हमने क्या कहते हैं, न्याय की गुहार के लिए इंदौर के सारे विभागों के अंदर 32 आवेदन दे चुके हैं। अभी तक 32 आवेदनों के अंदर कई विभागों ने कार्रवाई नहीं करी और जिस विभाग ने कार्रवाई करी वो भी सिर्फ एक मात्र दिखावा करा। क्या हुआ कि CHMO ने इस पर जांच बैठाई। जांच के अंदर जिन डॉक्टरों की जो वो थी, जिन डॉक्टरों ने इलाज करा, उन लोगों की घोर लापरवाही पाई गई, क्योंकि वो क्वालिफाइड नहीं थे। वो BHMS डिप्लोमा होल्डर थे, उनको ICU इंचार्ज बना के बैठाया था। उन लोगों की गलती से मेरी माता राम की मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद फिर क्या हुआ कि डॉक्टरों को हॉस्पिटल बंद करने के नोटिस जारी हुए। 1 महीने का उनको समय पीरियड दिया कि 1 महीने के अंदर आपका हॉस्पिटल बंद कर दीजिए। और जब हम 1 महीने बाद CHMO से चर्चा करते कि मैडम हॉस्पिटल अभी तक बंद नहीं हुआ, डॉक्टरों पर अभी तक कार्रवाई नहीं, तो CHMO सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं कि इसके अंदर कलेक्टर महोदय कायमी करेंगे और कलेक्टर साहब को हमने लिखित में दे दिया है। जब जानकारी निकलती तो फिर हम वापस 15 दिन बाद फोन लगाते तो CHMO कहते हैं कि हमने क्या कहते हैं उस हॉस्पिटल ने MBBS डॉक्टर रख लिया, उन पर कार्रवाई नहीं होगी। ले देखे हमने 7 विभागों में कार्रवाई की, 1 विभाग के अंदर जांच में दोषी पाए गए, डॉक्टरों की गलती पाई गई। सारी चीज़ होने के बाद भी आज तक उस हॉस्पिटल पर कार्रवाई नहीं हुई, और यदि इस हॉस्पिटल पर कार्रवाई नहीं तो ये कई लोगों की मौत के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। अभी जो आपने ज्ञापन दिया यहाँ पे, क्या अधिकारियों की तरफ से आश्वासन? अधिकारियों को यह आश्वासन मिला कि इस पर जल्द इसको संज्ञान में लिया जाएगा और जल्द इस हॉस्पिटल को बंद किया जाएगा। और यदि ऐसा नहीं होता तो हिंदू महासभा के अभी प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेंद्र जी ठाकुर ने हमको बोला है कि हम आपके साथ हैं, और अभी भी यदि अभी भी यहाँ से कुछ नहीं होता तो जिस दिन CM मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमारा मामा इंदौर में रहेंगे उस दिन उनके जगह जगह पुतले के जलाएंगे। आपका नाम? आदेश हाइडिया।